सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग 32,127 सैन्य बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज बीटीएससी जेई केस रिव्यू में हम जो बोले वही हुआ। अब बीटीएससी एनएम दसर शासनों केस की बारी है। आखिर सुरजीत सर लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, लाइव नहीं आने का रीजन क्या है, जल्दी से जाने पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों देख लीजिए, मैच कर रहा है ना, सेम ड्रेस, खाली यहाँ पर कैप है और उसमें कैप नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, सुरजीत सर क्यों लाइव नहीं आ रहे और आज बीटीएससी जेई में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, जो पप्पू भाई बोले थे और पप्पू भाई के बात 100% सही हुआ, इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी जेई केस के रिव्यू केस का सुनवाई था। रिव्यू मतलब होता है फिर से जो है ना, लोग नहीं मानता है तो उसको पिटीशन दायर कर देता है, तो फिर से उसका सुनवाई था। और ये पप्पू भाई पहले ही बोल दिए थे इसमें कुछ नहीं होगा, मेजर इश्यू है, जो एक बार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया वो जजमेंट पलटता नहीं। आज वही हुआ जो स्टूडेंट बोल रहे थे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, आज वही स्टूडेंट कॉल करके सर कंग्रेचुलेशन आप जो बोले वही सही हुआ। एकदम सभी स्टूडेंट कॉल पे कॉल कर रहे हैं, देखिए फिर से स्टूडेंट एक कॉल आ रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। हम बोल दिए, अब देख लीजिए मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ, आप जाके देख लीजिए, हम पहले ही बोल दिए थे ये चंदा चोर से सावधान रहिए, ये चंदा चोर अपना पॉकेट भरने के लिए आप लोग को दिग्भ्रमित कर रहा, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया उस जजमेंट पलटता नहीं है। भले केस रिव्यू में चला गया है, लोग केस जो है ना रिव्यू के लिए पिटीशन फाइल किया है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेजर इशू है। आज देखिए आज 100% पप्पू भाई की बात सही हुआ। अब पप्पू भाई पहले ही आज से 2 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है, आज नहीं पप्पू भाई भविष्यवाणी किया, आज से 2 साल पहले ही पप्पू भाई भविष्यवाणी कर दिया है। जब भी बीटीएससी एनएम 10709 केस की फाइनल जजमेंट मिलेगी तो 2018 के ठीक है नियमावली पर जजमेंट मिलेगी, और 100% देख लीजिएगा। अगर अभी भी पप्पू भाई पर डाउट लग रहा है तो आप स्क्रीन शॉर्ट काट के रख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीन शॉर्ट काट कर रख लिए थे बीटीएससी जेई वाले और आज स्क्रीन शॉर्ट भेज रहे हैं, सर इस तारीख को आप बोले थे और 100% सही बोले थे, सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोल लेते हैं, बच्चा खुद लिखा है, समझे कि नहीं। वही बात आज हम आपको बोल रहे हैं बीटीएससी एनएम 10709 केस में, ठीक है आज फिर से हम आपको भविष्यवाणी कर देते हैं, समय जो लग जाए सुप्रीम कोर्ट में, बट जीत होगी तो बीटीएससी एनएम 10709 का जब भी जजमेंट मिलेगी तो 2018 के नियमावली पर मिलेगी। ये पप्पू भाई का ओवर कॉन्फिडेंस है और चैलेंज है, चैलेंज आज पप्पू भाई आपको कर रहा है, ठीक है। अगर अभी भी अपने भाई पर डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जिस दिन फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देगा बीटीएससी एनएम 10709 का उस दिन आप देख लीजिएगा और आज का वीडियो आप मैच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो पप्पू भाई क्या भविष्यवाणी किए थे, क्योंकि आज पप्पू भाई भविष्यवाणी नहीं किए, 2 साल पहले भविष्यवाणी किए और वही भविष्यवाणी अभी तक सच होते आ रहा है और आगे भी सच होगी सुप्रीम कोर्ट में भी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अब बारी है 10709 का, और 10709 का भी हम भविष्यवाणी आपको कर चुके हैं, इससे पहले आज नहीं 2 साल पहले हम आपको कर चुके हैं, जब भी फाइनल होगी केस तो 2018 के नियमावली पर, समय जो लग जाए। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, सुरजीत सर आखिर लाइव क्यों नहीं आ रहे, ठीक है इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सुरजीत सर को लाइव नहीं आने का कारण है, 2 कारण, पहला कारण क्या है आपको पता है, पहला कारण है हम आपको बताते हैं, सुरजीत सर लाइव नहीं आ रहे हैं, दो कारण है, पहला कारण है क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए लाइव में आप लोग सवाल पूछेंगे, ठीक है, और ऐसा ठीक है जवाब दे देंगे जिससे सीबीटी क्वालिफाई के लीडर चाह रहे हैं जो सुरजीत सर लाइव आए और सुरजीत सर लाइव आके केस के बारे में जानकारी दे, ऐसा जानकारी दे जो उन लोग को पता नहीं है, ठीक है, और उसी से मेरा केस स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा केस, ठीक है। इसीलिए सुरजीत सर लाइव नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुरजीत सर अभी केस में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको लगता होगा जो सुरजीत सर को जो है ना पक्ष में वीडियो बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, देखते हैं हम लाइव क्लास में ही सूरजी सर से बातचीत करते हैं। अभी सूरजी सर लाइव नहीं आने का कारण पहला है, तो सर लाइव आएंगे और आप लोग सवाल पूछेंगे तो सर तो जवाब देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं जवाब नहीं देंगे, ऐसा कुछ आप लोग सवाल पूछ लेंगे और सूरजी सर ऐसा कुछ आपको जवाब देंगे जिससे हम लोग केस को जो है थोड़ा सा क्या होगा, ठीक है, हम लोग केस जो है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इसीलिए सूरजी सर अभी लाइव नहीं आ रहे, आज भी सूरजी सर से बातचीत हुई है, सूरजी सर बोले हैं हम लाइव आएंगे, ऐसा नहीं लाइव नहीं आएंगे, बोले एक दो दिन में हम लाइव आएंगे, बट अभी लाइव नहीं आ रहे इसलिए। और देखिए अब आप देखेंगे सीबीटी क्वालिफाई के जो भी लीडर है वो लाइव आ रहे, वो चैलेंज ठोक रहे हैं जब हम 100% केस जीतेंगे, चैलेंज इसलिए ठोक रहे हैं ताकि वो गुस्सा में ठीक है 32,127 अन्य बहनों को लीडर आए और हमें जानकारी दे, ठीक है, जो मेरे पास ऐसा ऐसा पॉइंट है, ऐसा ऐसा हम लोग के पास जो है महारत है, ऐसा ऐसा जो है ब्रह्मास्त्र है, जो वो बोलेंगे और हम पकड़ लेंगे उसको, नोट कर लेंगे और हम सब पहले जाके लगा देंगे, ऐसा तो कुछ होने जा नहीं रही है, समझे, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है आपको लगता होगा जो है ना अर्चना कुमारी काउंटर फाइल नहीं की है, ठीक है, इसी के चलते डर से लाइव नहीं आ रहे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एडवोकेट से भी बातचीत हुई है, हर चीज हुई है, एडवोकेट भी बोले हैं, ठीक है, अगर अर्चना कुमारी अगर 2 तारीख को अगर मान लीजिए 2 से पहले अगर ये नहीं जमा करती तो 2 तारीख स्ट्राइक होता है करके हम लोग सुनवाई करवा लेंगे, कुछ नहीं चलेगा अर्चना कुमारी, इसलिए ऐसा नहीं है केस की सुनवाई नहीं होगी, समझे कि नहीं। तो दो आप लोग का रीजन है, दो रीजन है जिस रीजन से आप लोग कह रहे हैं जो है ना सर नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ये रीजन तो आपको बिल्कुल नहीं है, ये तो आप लोग बोल रहे थे इसलिए हम रीजन लिख दिए, ठीक है। तीसरा जो है मेरे तरफ से है, जो अभी सर केस में ध्यान दिए हुए हैं, ठीक है, अभी केस में लगे हुए हैं, जो मेजर इशू है केस में, हर चीज है जो देख रहे हैं बारीकी से केस में क्या दिक्कत है, हर चीज है, ठीक है, तो अपने स्तर से देख रहे हैं, यही दो मेन रीजन है जिसके वजह से सर लाइव नहीं आ रहे हैं। आपको लगता होगा जो सर सूरी सर को बचा रहे हैं या सूरी सर को बचाने में लगे हुए हैं, भाई हम सूरी सर को भी रिलाई किए हैं, आप देखें मेरा वीडियो जाके देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं है सूरी सर को धोए नहीं, बट जहां पे गलत करते हैं तो वहां पे हम भी ऐसा नहीं है जो सूरजी सर पे बोलते हैं, सूरजी सर से बातचीत हुई है लाइव में भी, उस दिन बातचीत किए थे, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है, जो हम लाइव में भी बातचीत करते हैं, हम किसी से डरते उड़ते नहीं है, हम हमेशा सच्चाई पर ही रहते हैं, इसलिए आज दावा के साथ करें बीटीसी जेई में बोले थे और वो हुआ, और आज फिर दावा किए हैं जो बीटीसी एनएम 10,709 में आज हम भविष्यवाणी कर दिए हैं, और आने वाले आप देखिएगा, ठीक है, 1 महीना में आप देखिएगा जब फाइनल जजमेंट मिलेगी तब देखिएगा जब पप्पू भाई का भविष्यवाणी सच होता है या गलत होता है, क्योंकि आज तक मेरा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आप देख लिए, यही दो रीजन है, ऐसा बहुत सारे पॉइंट है सूरजी सर के पास, जो लाइव में आकर अगर सूरजी सर वो पॉइंट खोल दिए तो हम लोग का केस कमजोर हो जाएगा, बहुत सारे ऐसा पॉइंट है जिस सूरजी सर लाइव में आकर अगर एक बार खोल दिए तो फिर हम लोग का केस जो है पूरा कमजोर हो जाएगा, सेवीटी क्वालिफाई का जो है केस स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए बहुत सारे ऐसा रीजन है जो सूरजी सर बताए, बहुत सारे ऐसा रीजन है जो हम लाइव नहीं आ रहे हैं, बच्चे लोग को थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे लोग डर रहे हैं, कहिए डरने के लिए नहीं, 100% हम लोग को जीत मिलेगी और खुशखबरी जल्दी ही मिलेगी, ये बात तो आप परसों लाइव में ही सर बताए थे, समझे कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसा रीजन है, क्योंकि लाइव आएंगे तो आप लोग सवाल पूछेंगे और लाजमी है सवाल पूछेंगे तो सर आंसर देंगे ही देंगे, इसीलिए सर अभी लाइव नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है सर लाइव नहीं आएंगे, ठीक है, और सर सोच समझ के लाइव आएंगे, सोच समझ के लाइव आके आपको जानकारी देंगे, ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, 100% सुप्रीम कोर्ट से 2018 के नियमावली की जीत होगी, ये पप्पू भाई का चैलेंज है, पप्पू भाई आज भविष्यवाणी कर दिए, आपको लगता होगा आज की है, भाई 2 साल पहले कर दिए, इनको आज भी लगता है तो जान लीजिए आज ही भविष्यवाणी कर दी है, जो सुप्रीम कोर्ट से 32,127 अन्य बहनों को जीत मिलने जा रही है, ठीक है। तो यही दो रीजन है जिसके वजह से सूरजी सर लाइव नहीं आ रहे हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, कल के बाद परसों लाइव आ जाएंगे, समझे। अब बात कर लेते हैं क्लास के बारे में, जो भी क्लास नहीं लिए हैं, अभी उड़ान बैच चल रही है, ठीक है, आयुष चिकित्सक जो डॉक्टर है, आयुष चिकित्सक डॉक्टर का जो है क्लास जो चल रही है, ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कब 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास नहीं लिए हैं क्लास ले लीजिए, 80, 51, 30, 57, 35, समझे, इसी पे आपको 499 करना है गूगल पे या पेटीएम से, ठीक है, उड़ान बैच नाम है, बैच का नाम है उड़ान बैच, ठीक है, इसमें तीनों होगी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी, तीनों की पढ़ाई होगी, समझे। तो फटाफट इसी पे आपको गूगल पे
ठीक है, या पेटीएम से है, आपको पेमेंट करना है और क्लास ले लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी हमारे एनएम जीएनएम का स्टूडेंट है, एनएम जीएनएम, ठीक है, जो भी हमारे एनएम जीएनएम ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे और ओटी वाले जो भी है, वो भी इन लोग के लिए सफलता बैच चलती है, सफलता बैच, ठीक है, 3.0। तो आप लोग भी यहाँ पे हम आपको नंबर दे देते हैं, 8151 30 57 35, इसी पे आपको 499 पे करना है। क्या चीज से? तो गूगल पे या पेटीएम से। तो दोनों लोग आप लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 10709 के चक्कर में अपने फ्यूचर को बर्बाद मत कीजिए। ऐसा नहीं है 10709 क्लियर नहीं होगी, और इसका भविष्यवाणी भी आज हम कर दिए, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट जो भी एनएम जीएनएम ड्रेसर लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट, ठीक है, एक्सरे और ओटी वाले जो भी स्टूडेंट, इस सफलता पे 3.0, ठीक है, लॉन्च कर दिए हैं, ये आप ले लीजिए। और जो भी हमारे आयुष चिकित्सक डॉक्टर हैं, ठीक है, इसका जो तैयारी कर रहे हैं, वो होम्योपैथिक के हैं, ठीक है, आयुर्वेद के हैं या यूनानी के हैं, तीनों के लिए ये स्पेशल बैच आपको उड़ान बैच चल रही है, जो कि 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगी। तो सभी स्टूडेंट ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसका तो भविष्यवाणी करिए दिए हैं, जब भी क्लियर होगी 10709, तो वो 2018 के नियमावली पर क्लियर होगी, इसलिए सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जो सुरजीत सर लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी जेई केस में क्या हुआ, और आज पप्पू भाई क्या आपको भविष्यवाणी किए हैं, साथ ही साथ क्लासेज के बारे में, दोनों क्लासेज के बारे में आपको बता दिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, ताकि जैसे ही नाइट में 9 PM में लाइव आएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।